गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है वाष्टर। वाष्टर क्या होता है? ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस होता है। सबसे पहले अगर इसका हम 3D डायग्राम देखें तो 3D डायग्राम कुछ ऐसा होता है जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये है 3D डायग्राम इसका। अगर हम बात करें इसके 2D की तो सिंपल 2D सर्कल वे में बनाया जाएगा। तो सबसे पहले इसके 2 मार्क्स की थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो थ्योरी क्या है? वाष्टर इज ए सिलेंड्रिकल पीस। तो सबसे पहले ये एक सिलेंड्रिकल है, मतलब गोल है, सिलेंड्रिकल पीस ऑफ मेटल, मेटल का बना होता है, मेल्ड स्टील का हो सकता है, एमएस का हो सकता है। Which place रखा जाता है below the nut, किसके below the nut, nut के नीचे रखा जाता है, is order to provide smooth bearing surface। और ये किस लिए लगाया जाता है? ताकि जो सरफेस है वो बिल्कुल हमें accurate मिल जाए, बिल्कुल straight मिल जाए। अगर हम normally diagram की बात करें तो ये कैसे दिखाई देगा? यहां पर अगर मान लीजिए ये bolt है, ये हमारा bolt है, ये है bolt। अब हमें यहां पर नट लगाना है, तो यहां पर अगर हम कुछ ऐसा करके हम नट लगाते हैं, टू फेस नट है, दोनों तरफ होता है, ठीक है, ये नट हो गया। अगर यहां पर अब हमें वाशर लगाना है तो कोई भी मशीन होगी, जो मशीन तो यहां पर लगेगी। अब अगर नॉर्मल यहां पर ये ले तो यहां पर ये मशीन होगी कोई भी, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक वाशर को यूज करते हैं, ये वाशर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर मैं अगर पार्ट्स के नाम लिखूं तो ये बोल्ट हो गया, ये हमारी मशीन हो गई, ये वाशर हो गया, ये वाशर हो गया, ये हमारा नट हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो ये प्रोसेस दिखा रहा है, ये किसी चीज को एक होल्ड करने के लिए दिखा रहा है, टेम्परेरी होल्ड हो रहा है, तो वाशर का हमारा यूज होता है, ठीक है। ये सर्फेस को स्मूथनेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। आगे हम बात करें कि ये दिखता कैसा है 2D में, 3D में तो आपने देख लिया कैसा होता है। अब 2D में अगर हम बात करें तो सबसे पहले है इसका D होता है D+1, यानी कि अगर बोल्ट का डाया 30 है तो वाशर का जो इंटरनल डाया होगा वो होगा 31, D+1। और जो बाहर का डाया होगा, जैसे 3D में दिखाया था एक छोटा सर्कल होता है, एक बड़ा सर्कल होता है, तो जो बाहर वाला होगा वो 2D+3mm होगा। और उसके बाद जो थिकनेस होगी, यानी कि मोटाई जो होगी, वो 0.12D होगी। अगर हम नॉर्मली इसका डायग्राम बना के देखें तो ये कैसा दिखाई देगा? तो सबसे पहले यहां पर ये बना लिया है आपके सामने, ठीक है। अब ये जो बाहर का सर्कल बना है, बाहर का सर्कल होगा डायमीटर ऑफ वाशर, यानी कि हम यहां पर इसका जो डायमीटर है वो ये लिख सकते हैं 2D+3। यानी कि अगर D 30 है तो 30 को 2 से गुना करो, यानी कि 60+3 63, ठीक है। तो 63 क्या हो जाएगा? ये इसका बाहर का डाया हो जाएगा। और अगर अंदर के डाया की बात करें तो D+1, अगर D 30 है तो ये 31 हो जाएगा। तो इसको 31 को ये 31 बनेगा हमारा यहां पर, तो ये हो जाएगा 31। तो यहां पर अगर इसकी कैलकुलेशन लिखे हम तो वो क्या होगी? वो होगी D+1, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मली जो हमने सर्कल को बनाया और बताया। अगर हम इसका साइड व्यू देखते हैं तो सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन लेके जाएंगे हम, बोथ साइड रेफरेंस लाइन लेके जाना जरूरी है। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हम थिकनेस दिखाएंगे तो सबसे पहले एक लाइट लाइन ले लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये है थिकनेस ऑफ वाशर 0.12 इंटू डी कितना है 30 है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी यहां से यहां तक का थिकनेस लेनी है और सेम नीचे तक लेके आ जाना है, ऐसे ही डिट्टो ऐसे लेके आ जाएंगे जब प्रॉपर। तो यहां पर हमारा प्लेन वाशर जो होगा, इसको जो पहले सबसे पहले जो आपको दिखाया गया है ये है प्लेन वाशर, इसके बाद आता है चैम्फर्ड वाशर, उसके ऊपर की तरफ सिर्फ हल्का सा चैम्फर लगा होता है। अब यहां पर क्या है, ये वाली चीज आगे चली जाएगी, यहां पर ये चीज दिखा दी जाएगी, ठीक है। और यहां पर जो होगा इसकी जो डिस्टेंस होता है, जो डायमीटर होता है, जो लेंथ होती है, वो हम यहां पर प्रॉपर लिख देंगे। जैसे सिर्फ यहां पर एक ही चीज हम शो करते हैं जो कि थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है 0.12D, ठीक है। हमने यहां पर 63, यानी कि D अगर हमारा 30 है तो ये हमारा 63 हो जाएगा और ये 31 हो जाएगा। और यहां पर जो भी है 0.12 इंटू डी करने के बाद जो हमारी कैलकुलेशन आती है वो ये होगी, और ये हमारा प्लेन वाशर यहां पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वाशर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।